बच्चों अब हम चालू कर रहे हैं एक पोयम आपकी बिहाई की ही। सो इंग्लिश में आपकी पोयम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये पोयम आपकी पेज नंबर 65 पे है, ठीक है। सो दिस इज पोयम 5, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है। तो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड मतलब एक किस्सा, नॉर्थलैंड का एक पुराना किस्सा, ठीक है। सो नॉर्थलैंड कहाँ है? नॉर्थलैंड एक ठंडी जगह है, ठीक है। एक ठंडी जगह का नाम नॉर्थलैंड है। लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड मतलब एक नॉर्थलैंड का किस्सा। ये किसने लिखी है? इस पोयम को लिखा है फियोबी कैरी ने, ठीक है। और ये है एक पोएटेस, पोएटेस का नाम है फियोबी कैरी। ठीक है। सो यहाँ पे आप एक पूरी स्टोरी जैसे पढ़ लोगे। पोयम एक बलाड के रूप में, बैलेड, BALLAD, बैलेड क्या होता है? एक स्टोरी के फॉर्म में होती है पूरी पोयम, जैसे आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है। वैसे पोयम्स कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। पर बैलेड्स क्या होती हैं? बैलेड्स एक ऐसे होता है जैसे एक पूरी स्टोरी चल रही है, ठीक है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो स्टार्ट लेते हैं पहले पैराग्राफ से। आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ रखिएगा जब हम ये समझ रहे हैं अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये पेज निकालेंगे। स्टोरी कैसे चालू हो रही है? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। ये है पेज नंबर 65 आपकी बिहाइंड का, ठीक है। सो 65 लिखा नहीं हुआ है, 64 के बाद ये 65 पेज है। सो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अच्छा दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में। नॉर्थलैंड क्या है? नॉर्थलैंड एक बहुत ठंडी जगह का नाम है। सो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब दिन बहुत छोटा होता है। आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू का मतलब दिन बहुत ज्यादा छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, सर्दियों में जो है रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इसका मतलब है इनमें पूरी रात सोते नहीं रह सकते, मतलब आपको नींद ही ना, इतनी ठंड होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, वह इतनी लंबी, इतनी छोटी रातें होती हैं कि आप उसमें सो भी नहीं सकते हो, ठीक है। दिन क्या होते हैं? दिन कम छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, और इतनी ठंड होती है रातों को कि आप सो भी नहीं सकते। दिन छोटे, रातें लंबी, शहर है पूरा ठंडा, नॉर्थलैंड फुल ठंडा शहर है कि रात को सोया भी ना जा सके, इतनी ठंड। सेकेंड पैराग्राफ, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोस एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कर्व्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। अब क्या बता रहे हैं? पहले पैराग्राफ में इसकी पूरी ठंडी बताई, अब दूसरे पैराग्राफ में भी आगे और ठंडी बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा ठंडी जगह है ये। क्या बोल रहा है कि आपको पता होगा कि जब ठंडी बर्फ वाली जगह होती है वहां एक जानवर पालते हैं लोग, रेंडियर, REINDEER। आपने पढ़ा होगा रेंडियर के बारे में, साइंस में आता है कि अंटार्कटिक वगैरह ऐसी जगहों में रेंडियर पाए जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ठंडी जगह होती हैं। सो हार्नेस का मतलब क्या होता है? बांधना, ठीक है, टाइट बांधना, उसे हम हार्नेस कहते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे, जैसे इंडिया में जैसे फार्मर्स ऑक्सन को बांध के कैसे वो हल चलाते, वैसा कुछ, ठीक है, उनको बांधना। सो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट मतलब फास्ट, रेंडियर जो जानवर है वो बहुत तेज दौड़ता है। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज मतलब उसको, टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज मतलब उसको गाड़ी चलवाई जाती है, स्लेज चलवाई जाती है। स्लेज मतलब एक तख्ते जैसा होता है जिसमें लोग बैठ के इधर से उधर, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि लोग चल भी नहीं पाते, इसलिए स्लेजेस यूज होते हैं। और स्लेजेस को खींचने के लिए रेंडियर जो जानवर है वहां का,
जो कि बहुत, जैसे यहाँ ऑक्स वगैरह होते हैं, वहां रेनडियर को मतलब गाड़ी चलाने में, उसे खींचने में यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट इज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक्स बियर्स कप, और जो बच्चे होते हैं वो एकदम जो बालू होता है, बियर बालू के बच्चों की तरह लगते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन है इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। फरी मतलब वो जो कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है तो बच्चों को हमेशा फर वाले कपड़े ही पहनाए जाते हैं। फर आपको पता होगा, स्वेटर वगैरह, मतलब कई हमारे फैंसी स्वेटर होते हैं तो एकदम फर जैसा होता है, ठीक है। सो एकदम उनको फर क्या गर्म रहता है, सो उनको बच्चों को वहाँ फरी क्लोथ्स पहनाते हैं और बच्चे बहुत फनी दिखते हैं वहाँ। मतलब पहले पैराग्राफ में भी पोएटिस जो है उन्होंने पूरी ठंड का पूरा उन्होंने ठंड को डिस्क्राइब किया है, सेकेंड पैराग्राफ में भी वो ठंड को ही डिस्क्राइब कर रही हैं कि भाई वहाँ स्लेजेस चलाई जाती हैं, रेनडियर की मदद से खींचे जाते हैं, बच्चे हमेशा फरी क्लोथ्स पहनते हैं और बालू के बच्चों की तरह लगते हैं, तो बच्चे फरी क्लोथ्स में बहुत फनी लगते हैं। सो नेक्स्ट है दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। अब क्या बोल रही है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो उन्हें एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। मतलब अब पोएटिस कोई दूसरी बात करिए, क्या बोल रही है कि वे लोग उन बच्चों को एक अनोखी कहानी सुनाते हैं जिस पर मैं विश्वास नहीं करती कि वह सच होगी, पर हम उसे सीख ले सकते हैं अगर हम वो कहानी सुने तो। पोएटस क्या बोल रही है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो मुझे एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं और मुझे लगता नहीं है वो स्टोरी सच्ची है, पर अगर आप ये स्टोरी ध्यान से सुनो तो, अगर मैं आपको सुनाती हूँ तो ध्यान से सुनो, आपको इस स्टोरी से कोई लेसन मिलेगा, कुछ सीख मिलेगी। अब यहाँ पे स्टोरी बता रही है, पहले दो पैराग्राफ में पोएटेस ने ठंड बताई और बच्चों के बारे में बताया, तीसरे पैराग्राफ में वो बोलती है कि भाई एक स्टोरी बताई जाती है यहाँ पे और मुझे लगता नहीं है कि वो सच्ची स्टोरी है, पर मैं तो भी आपको सुनाती हूँ। अब वो पोएटेस फोर्थ पैराग्राफ से आपको स्टोरी सुना रही है जिस पे ये पूरा चैप्टर है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। अब क्या बोल रही है ये कि एक बार जब गुड गुड मतलब अच्छा, जो कहते हैं ना नेक, सो जब एक बार जो अच्छा या नेक सेंट पीटर, तब वो यहाँ इस वर्ल्ड में ही रहता था, जमीन पे ही रहता था और वो घूमता रहता था लोगों को प्रीच करते हुए, प्रीच मतलब उपदेश देते हुए घूमता रहता था, तो वो काम था उसका, मतलब सेंट पीटर का काम क्या था, घूम घूम के लोगों को प्रीचिंग करना, उनको उपदेश देना, उनको सही रास्ता दिखाना, पर वो हम सब जानते हैं। सेंट पीटर ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन अ ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। अब भिक्षा मतलब उपदेश देते देते या भिक्षा मांगते मांगते वो जो सेंट पीटर थे, वो एक कुटिया कॉटेज मतलब छोटी सी झोपड़ी, झोपड़ी के दरवाजे पे आ गए, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगाते लगाते, मतलब पूरी दुनिया घूमते घूमते उस झोपड़ी पे आए और वहां पे वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मे सो लिटिल मतलब वहां पे एक छोटी औरत, मतलब हाइट जिसकी छोटी थी, तो एक छोटी औरत केक बना रही थी और वो उन्हें बेक कर रही थी। तब तो ओवन नहीं होते थे, तो हर्थ पे, HEARTH, हर्थ मतलब भट्टी पे बेक कर रही थी। भट्टी भट्टी बोलते हैं, मतलब आग ऐसे डायरेक्ट जलाई जाती है और ऊपर कुछ रखा जाता है वैसा कुछ होता है, तो भट्टी पे बेक कर रही थी आग में।
एंड बींग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्ट हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब वो मतलब जो साधु था उसका मतलब जैसे पूरे दिन से वो भूखा था, फास्टिंग मतलब जैसे पूरे दिन वो उसने भूख सही थी, वो जैसे बेहोश हो रहा था भूख से, मतलब उसने फास्टिंग की हुई थी, उपवास किया हुआ था, तो मतलब उस उपवास की वजह से, उस भूख की वजह से वो बेहोश हो जा रहा था, फेंट हो रहा था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ठीक है, और मतलब उस दिन पूरा हो गया था, उसका उपवास पूरा हो गया था, दिन पूरा हो गया था और उसे अब चक्कर आ रहे थे साधु को, फेंट हो रहा था मतलब बेहोश हो रहा था। ही आस्ट हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, तो साधु ने वो केक्स देखे उसके बहुत सारे जो वो बेक कर रही थी, तो साधु ने बोला इसमें से एक केक तू मुझे दे, मतलब जो सेंट पीटर थे वो प्रीच करते करते उस छोटी औरत के दरवाजे पे आ पहुंचे और उससे एक केक मांगने लगे, क्योंकि वो उसी टाइम केक हर्थ में सेक रही थी। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। अब जैसे कि उसने उससे उनमें से एक केक मांगा, जो बेक किए हुए पड़े थे उनमें से एक केक मांगा, पर क्या हुआ कि उसने बहुत छोटा केक बनाया, मतलब सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, मतलब उस औरत के मन में एक कहते हैं ना लालच टाइप थी, मतलब वो बड़ा केक का हिस्सा नहीं देना चाह रही थी उस साधु को, कि वो सोच रही थी मैं बड़ा हिस्सा क्यों दूँ, तो उसने इतने सारे केक बने पड़े थे, बड़े थे, तो उसको लगा इतना बड़ा हिस्सा क्यों दूँ, क्यों ना मैं एक छोटा इसको केक हर्थ पे बट्टी पे सेक के दे दूँ, तो उसने एक छोटा केक उस साधु को देने के लिए पकाने के लिए रखा। बट एज इट बेकिंग ले, पर जैसे जैसे मतलब उसने जैसे रखा, बट एज इट बेकिंग ले जैसे ही उसने रखा और उसने ध्यान दिया, शी लुक्ड एट इट मतलब उसने जो केक चढ़ाया साधु के लिए पकाने रखा, तो उसने ध्यान दिया कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा टुकड़ा है, ये मैं कैसे दूंगी, ठीक है, उसके बने हुए जो बने हुए केक थे उसने सोचा वो केक कैसे दूं, वो तो सब बड़े हैं, फिर उसने साधु को देने के लिए एक छोटा केक पकाने रखा। अब जब वो पक रहा था तो उसके मन में आया कि ये तो बड़ा पीस है, तो मैं इतना बड़ा पीस साधु को कैसे दूँ, मैं थोड़ी इतना बड़ा पीस दूंगी साधु को, दे देने के लिए थोड़ी होता है। फिर देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड मतलब गूंदना, फिर उसने दूसरा केक का बैटर तैयार किया, शी नीडेड अनदर, फिर से गूंदा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, अब फिर से उससे भी छोटा, मतलब जो उसने पकाने रख दिया था उसको वो बड़ा लगा देने, उसने सोचा बड़ा कैसे दे दूँ मैं, तो उसने छोटा गूंदा, नीड करना मतलब गूंदना, तो छोटा आटा गूंदा और उसने, बट इट लुक व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, पर जब उसने उसको भी पकाने रखा तो वो तो उतना ही बड़ा लग रहा था जितना पहला वाला था। देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, फिर तो उसने डो, वो जो आटा था DOUGH डो, वो जो आटा था उसने उसका छोटा सा स्क्रैप लिया, मतलब छोटा सा उस आटे का टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, अब उस आटे को बिल्कुल मतलब रोल करना मतलब बेलती गई, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और एकदम मतलब बेक किया तो एकदम वेफर जैसा बेक हुआ, मतलब एकदम पतला सा वेफर, जैसे एक वेफर हो वैसा बेकिंग हुआ उसका। बट शी कुडंट पार्ट विद डेट, मतलब पर वो पार्ट विद मतलब देना, मतलब वो उसको भी नहीं दे पाई, पहले उसने जो एक केक उसने सोचा छोटा केक बना के दूं, तो एक छोटा केक भट्टी पे चढ़ा तो उसके मन में आ रही ये तो बड़ा बन गया, फिर उसने फिर छोटा सा ऐसे गूंद के फिर से चढ़ाया, उसने कहा ये तो उतना ही हो गया, फिर उसने एकदम डो का छोटा सा स्क्रैप लिया उसको भी बेल दिया, उसको चढ़ाया, उसने एकदम वेफर की तरह पका, अब उसको वो भी देने का मन नहीं कर रहा था, मतलब उसका दिल कितना छोटा था उस लेडी का,
उस लिटिल लेडी का दिल इतना छोटा था कि साधु दरवाजे पे भूखा खड़ा है। और आज का जमाना तो भी खराब है, उस टाइम तो साधु सही होते थे, मतलब सच में उनमें कुछ ऐसे शक्तियां होती थी या तब वो पावरफुल भी होते थे और सच्चे होते थे। आजकल चलो जमाना पाखंडी या खराब हो गया है, पर तब तो ऐसा जमाना नहीं था। जब मतलब ये जो स्टोरी है ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी स्टोरी, लेजेंड मतलब बहुत पुरानी स्टोरी है। तो तब वो साधु ने मांगा, तब तो साधु भी सच्चे होते थे और साधु को देने से पुण्य भी लगता था, पर इसका तो मन ही नहीं हो रहा था देने का। इतना पतला वेफर जैसा केक था, पर वो उसको भी देने का मन नहीं कर पाई। फॉर शी सैड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब क्या बोल रही है वो? वो बोल रही है कि मेरा जो मेरे केक हैं वो बहुत छोटे लगते हैं, और मतलब जब वो खुद खाती है तो उसे वो केक छोटे लगते हैं, पर जब सामने वाले को दान करना होता है तो उसे वो केक बड़े लगते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, सारे शेल्फ पे रख दिए, मतलब कुछ नहीं देना है, शेल्फ पे रख दिया। क्योंकि जैसे वो खुद खाने का सोच रही थी तो उससे सब छोटे छोटे दिख रहे थे, पर जैसे ही दान करने की बारी आ रही थी, देने की बारी आ रही थी, तो उसे सब बड़ा दिख रहा था। इसलिए उसने ख्याल जाने दिया, दान करने का ख्याल ही जाने दिया, और सारे केक वहां शेल्फ पे रख दिए, तख्ते पे रख दिए। ये देखो, ये थोड़ा हम इंसानों के लिए भी है, ये जो ये वाली जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ हमारे लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। ये हमारे लिए भी है, ये लाइन्स, चारों लाइन्स। क्या कि जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो हमें कम लगता है, पर वही चीज हमें सामने वाले के लिए करनी पड़ती है तो हमें ऐसे लगता है हमने बहुत बड़ी कर दी। ठीक है, हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो बहुत ऐसे लगता है कि अरे ये तो इतना सा तो काम है, और वही काम सामने वाला कहे भाई कर दे ना मेरे लिए, तो हमें तो ऐसे लगता है जैसे हम पहाड़ तोड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये हम पे फिट हो रही है चारों लाइंस। ठीक है कि भाई ऐसे हम इंसान हैं, ये हमारी सोच है। नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं पेज 66 पे आ गई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है। देन गुड सेंट पीटर ग्रियो एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। अब वो जो अच्छा नेक सेंट पीटर था, जो बहुत अच्छा संत था, पीटर नाम का, बहुत गुस्से हो गया। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि अब वो बहुत ही भूखा था और एकदम बेहोशी पे था। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और जैसी वो सामने लेटी थी, मतलब उसके सामने केक बनाया जा रही थी बनाया, और फाइनली बोले देना ही नहीं है, तो वो उसको प्रवोक करा, प्रवोक मतलब उसको उकसाया, सेंट मतलब गुस्से में उकसाया, ऐसे उकसाया उसको। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। और संत ने क्या बोला, तू तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तू तो स्वार्थी है, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तू तो इंसान के फॉर्म में होने के लायक भी नहीं है, तू इंसान की काया पाने के लायक भी नहीं है, तू तो इंसान होने के लायक नहीं है। ड्वेल मतलब इंसान का फॉर्म, भाई इंसान का जो भगवान ने तेरे को रूप दिया, तू तो उसके लायक नहीं है। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इन ओ सॉरी टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तू वो इंसान होने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान अपना खाना बना सकते हैं, गर्माहट में घरों में रह सकते हैं, और मतलब कह रहा है तू इंसान होने के लायक नहीं है, ये जो घर में तू रह रही है तू उसके लायक नहीं है, तुझे जो खाना मिल रहा है तू उसके लायक नहीं है, और ये जो तू गर्माहट में घर में बट्टी जला के बैठी जिससे तू गर्मी ले रही है, बाहर नॉर्थलैंड में बहुत ठंडी थी तो अंदर वो बट्टी जला के उसे गर्मी ले रही, तो उसके लायक नहीं है। मतलब ये सब फैसिलिटीज तो इंसानों को ही मिलती है ना, जानवरों को कहाँ ये सब मिलता है, घर खाना गर्माहट। अभी भी देखो अगर बारिश है तो आप देखो कि बाहर जानवर वगैरह घूमते हैं, ठीक है, डॉग्स आपको दिखेंगे, गायें वो अलग अलग ढूंढती हैं कि कहीं हमको कोना मिल जाए, हम छिप जाएं। हम इंसानों को ही ये भगवान ने ये
रहमत दी है कि हमको घर है, खाना है, मतलब हमको गर्माहट है घर की, ठीक है, वरना जानवरों को तो ये सब कहाँ हासिल होता है। तो साधु का कहने का मतलब कुछ ऐसा ही है कि तू तो भाई, तू इस खाने के, इस घर के और इस गर्माहट के तो लायक ही नहीं है, तू तो इंसान होने के लायक नहीं। मतलब साधु क्या बोल रहा है, तू तो जानवर होने के लायक है, उस लेडी को ऐसा बोल रहा है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब साधु इस सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो कि है पेज 66 पे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, अब साधु एकदम गुस्से से श्राप दे रहा है। आपको पता है ना, पिछले जमाने में साधु गुस्से हो जाते थे तो क्या देते थे, श्राप दे देते थे। श्राप दे रहा है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, कि अब तू क्या करेगी, जैसे बर्ड्स, जैसे पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, घर बनाते हैं, तू वैसे ही अपना घर बनाएगी। और एंड शल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब जैसे तू मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा खाना दे रही थी ना, स्कैंटी मतलब तुझे ये छोटा छोटा खाना मिलेगा। साधु उसको श्राप दे रहा है कि तू जैसे बर्ड्स को इतनी मेहनत से घोंसला बनाना पड़ता है, तुझे अपना घर बनाना पड़ेगा, और तुझे जैसे तू मुझे थोड़ा थोड़ा खाना दे रही है, तू भी बर्ड्स की तरह थोड़ा थोड़ा खाना ढूंढेगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या हुआ, होल्स करते करते, मतलब खाना भी तुझे आसानी से नहीं मिलेगा। तू ट्रीज पे ऐसे होल करेगी ना तो तेरा खाना निकलेगा, मतलब तेरा खाना तुझे ढूंढने के लिए ट्रीज को चोंच मारनी पड़ेगी तो तेरा खाना निकलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरा दिन तुझे हार्ड ड्राई वुड में खाना ढूंढना पड़ेगा। हार्ड मतलब कठोर, ठीक है, तो उस कठोर, ये ड्राई वुड क्योंकि वो जो पेड़ के वो जो तन्ना होता है, पेड़ का जो ट्रंक होता है, बहुत हार्ड होता है, ड्राई होता है, उसमें से उसको खाना ढूंढना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हो साधु उसको क्या बनने का श्राप दे रहा है। एक्चुअली साधु उसको एक बर्ड जिसका नाम वुड पैकर होता है वो बनने का श्राप दे रहा है। साधु उसे कह रहा है कि तू थोड़े थोड़े खाने के लिए तरसेगी, तू अपना घोंसला खुद बनाएगी, ये सब श्राप दे रहा है उसे कि तू चोंच मारेगी भाई, ठीक है, और खाना एकदम हार्डली तरह निकलेगा। मतलब ये सब ये कौन करता है, ये वुड पैकर, आपने सुना है ना वुड पैकर, आपने सुना होगा का, एकदम अजीब सी, आपने देखी भी होगी ये बर्ड। आप छोटे थे तो जब आपको नेम्स ऑफ बर्ड्स सिखाते थे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, तो नेम्स ऑफ बर्ड्स में आपने ये वुड पैकर भी देखा होगा, ठीक है। सो उसको बोला बोरिंग एंड बोरिंग, BORING, बोरिंग मतलब बोर होना नहीं, बोरिंग का मतलब भाई तू भाई ऐसे छेद करती रहेगी, टक 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 ऐसे करती रहेगी। बोरिंग करने का मतलब मेकिंग होल्स, तू छेद करती रहेगी चोंच से तो तेरा खाना निकलेगा। BORING का मतलब मेकिंग होल्स, तू ऐसे काणे करती रहेगी उस पे, ट्री के ट्रंक पे काणे करती रहेगी और तुझे तेरा खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। अब साधु का श्राप उसको तुरंत लग गया, उस लेडी को तुरंत साधु का श्राप लग गया, और सीधी उसकी जो चिमनी थी, मतलब वहां उसकी जो चिमनी जल रही थी, वो चिमनी से एकदम उस चिमनी से गुजर के वो ऊपर चली गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि अब वो इंसान ही नहीं रही। एंड फाउंड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और चिमनी से जब वो होके निकली तो वुड पैकर बन के उड़ी, मतलब बर्ड बन गई, वुड पैकर बर्ड बनी। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, अब वो क्या बन गई थी, बर्ड। मतलब साधु ने जैसे ही श्राप दिया, उसके घर में जो चिमनी से जिससे आग जल रही थी, उस चिमनी से होके वो पूरी चिमनी से ऐसे क्रॉस होके वो ऊपर छत पे और एकदम बर्ड बर्ड बन के उड़ गई। अब लास्ट दो पैराग्राफ पेज 67 पे, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पे क्या थी, स्कारलेट कैप। एक्चुअली उसने एक अपने सर पे एक कैप पहनी हुई थी, स्कारलेट कैप, स्कारलेट मतलब
मतलब लाल कलर की एक टोपी थी उसके सर पे, ठीक है, लाल कलर की एकदम डार्क रेड कलर की उसके सर पे टोपी थी, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो टोपी उसके सर पे ही रह गई। वुड पैकर को आप ध्यान से देखो, वुड पैकर के सर पे लाल कलर का ताज होता है, लाल कलर का कैप जैसा होता है। तो वो लेडी ने, जब साधु ने उसको श्राप दिया कि भाई तू वुड पैकर बनेगी, तो वो उस टाइम उसने लाल कलर की टोपी ही पहनी हुई थी और वो उसके सर पे रह गई, मतलब बर्ड के सर पे लाल कलर की कलगी रह गई, ठीक है, वो ऐसे सर पे रही। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, मतलब वो जो उसके सर पे टोपी थी, वो टोपी उसकी बर्ड की कलगी बन गई, उस लिटिल लेडी की जो टोपी थी वो जब वो बर्ड बनी तो वो उसके सर पे थी ही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और क्योंकि वो चिमनी से ऐसे होके गुजरी ना, चिमनी से होके गुजरी, तो चिमनी में आग जल रही थी, भट्टी में आग जल रही थी, तो उस भट्टी में आग की वजह से वो सारी उसके सारे कपड़े जल गए। ब्लैक एज बर्न, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और वो पूरी काली हो गई। तो वुड पैकर का पूरा शरीर काला होता है और सर पे लाल कलगी होती है, ठीक है, मतलब यहाँ आपको बता रहे हैं वुड पैकर बना कैसे, वुड पैकर बर्ड हुई कैसे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, एवरी कंट्री स्कूल बॉय मतलब वहाँ कंट्री स्कूल बॉय मतलब उस गांव के हर लड़के ने उसे वहां पे, मतलब हर पेड़ के तने पे, पेड़ के ट्रंक पे छेद करते देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, वो आज भी इन ट्रीज पे रहती है और बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो होल कर करके खाना निकालती रहती है। तो हर गांव के बच्चे ने उसे देखा है इन जंगलों में या इन पेड़ों पे। वेयर शी लिव्स इन द ट्री स्टिल दिस वेरी डे, आज तक वो पेड़ों पे ही आपको मिलेगी, ठीक है, मतलब वुड मतलब यहाँ पे जंगल है, WOOD वुड है, सीन हर इन द वुड मतलब यहाँ फॉरेस्ट है, तो आज भी वो फॉरेस्ट में घूमती है ट्रीज पे और अपने खाने के लिए चोंच मारती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच्चों ने स्टोरी सुनाई फीबी कैरी को और फीबी कैरी ने हमें सुनाई, ठीक है। सो नॉर्थलैंड एक ठंडी जगह थी और इस ठंडी जगह में एक साधु आया था। पहले तो 3 पैराग्राफ में तो पूरा खाली यही है कि नॉर्थलैंड ठंडा है, फिर मेन स्टोरी चालू हो रही कि भाई पीटर करके, भाई सेंट पीटर करके साधु आया था, लिटिल लेडी थी, उसका मन बहुत छोटा था, वो देना ही नहीं चाह रही थी, और वो मतलब इतना मन छोटा था कि वो छोटे पे छोटे पीस बनाए जा रही थी हर्थ पे। साधु लास्ट में फिर उसने बोला कुछ नहीं देना है, मतलब शेल्फ पे सब रख दिया। साधु को गुस्सा आया, साधु ने उसे वुड पैकर बनने का श्राप दे दिया, और आज आपको यही वुड पैकर भटकती भटकती दिखती है, जिसको खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, और पूरा दिन जंगलों में भटकती, मतलब उसको घर भी नहीं है, ठीक है, घोंसला तक नहीं है। सो इस तरह से ये स्टोरी थी द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड की, ठीक है, ये किस्सा था। ये किस्सा आपको ये बताता है कि हमें इतना ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, जब आप देते हो तो देते टाइम भी वैसी ही फीलिंग रखो जैसे आप मतलब नॉर्मली देना चाहिए, ठीक है, देते टाइम आप अपने आप को भगवान या दाता ना समझो, देना एक मतलब बहुत, इट इज अ वेरी नाइस थिंग टू गिव, ठीक है, अगर आप दे सकते हो किसी को, अगर आपके पास है और आप दे रहे हो, सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, आपको है तभी तो आप दे पा रहे हो, ठीक है, गॉड ने आपको दिया तभी तो दे रहे हो, कीप दैट फीलिंग विद यू, ठीक है, अगर आपकी हस्ती है, अगर आप में थोड़ी सी भी ताकत है, किसी को थोड़ी सी आपसे हेल्प हो जाती है, जैसे अगर वो इतने केक्स बना रही थी, थोड़ा दिल दिखाया होता, एक साधु को अच्छा टुकड़ा दे दिया होता, साधु आशीर्वाद दे के ही जाता, उसने इतनी ज्यादा अपनी लालच दिखाई कि साधु को गुस्सा आ गया, गुस्से में उसे वुड पैकर बन जाना पड़ा। दिस इज अ सिंपल स्टोरी बट प्लीज डू अप्लाई इन योर लाइफ, आप कोशिश करें थोड़ा दिल बड़ा रखें, इतना ज्यादा दिल छोटा नहीं रखने का। सो आई एम एंडिंग दिस स्टोरी हियर, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई जस्ट सी द लेक्चर वेरी प्रॉपरली, अच्छे से स्टोरी रीड करें,
जैसे कि देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं कराया, मतलब कोई क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं। सो इस ये जो पार्ट बन रहा है इस लेक्चर का, ये जो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है, इसमें आप क्या लिखोगे? द आई हैव रेड दिस पोयम कम्प्लीटली। ठीक है, ये पोयम, यही होमवर्क है, ये सारी पोयम आपको अच्छे से रीड करनी है। और आप क्या लिखोगे ये लेक्चर देखने के बाद? मैडम आई हैव रेड दिस पोयम कम्प्लीटली, कि मैंने ये पोयम अच्छे से रीड की। ठीक है, जस्ट डू दिस वर्क एंड व्हाट्सएप मी द थिंग विच आई एम सेइंग टू यू। चलें, थैंक यू।